आज हम लोग गौ सेवा के लिए आए थे यहाँ गौशाला में। कोई बात नहीं, पैर छुए रहा उनके सबके। इधर ऐसे चलो, उल्टा चलो। सामने ऐसे चलो, चेहरा तो दिखाई दे। गौ सेवा का विशेष महत्व है और ये 15 जनवरी को हम लोगों ने आज यहाँ पे कान्हा गौशाला अकबरपुर जो तिवारीपुरवा के पास में है गौ माताओं की सेवा के लिए और स्वल्प भोजन, ज़्यादा तो नहीं दे सके, स्वल्प भोजन केला वगैरह का वितरण किया। हमारी धर्मपत्नी जी और मुझे अच्छा लगता है गौ सेवा करना करवाना, ईश्वर की इच्छा हुई तो और भी आगे सेवा करते रहेंगे। और प्रत्येक मनुष्य को ये करना ही चाहिए, गौ सेवा सभी देवताओं की सेवा से भी महत्वपूर्ण है। कुछ बोलोगी? बोलो कुछ गौ सेवा के संबंध में। कैसा लगा आज गौ सेवा से? बोलो। जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पे 256 गाय थी, आज यहाँ पे 270 गाय और बछड़े वगैरह अलग से। ये इधर से देखो, उधर बछड़े छोटे छोटे गैयाँ वो दूर उधर बंधी हुई हैं, ये जो सामने दिख रही है ये सब। बढ़िया व्यवस्था है, सरकारी गौशाला है ये, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। गौ माताओं के लिए पंखे वगैरह भी सब लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि योगी सरकार में ये भी सब हुआ है। ये कभी कभी की इतिहास में हुआ ही नहीं था सरकार की तरफ से, जो इस बार हुआ है। कहते हैं गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। हर हर महादेव।